हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज निफ्टी के वापस निफ्टी का व्यू लेके आया हूँ 30 तारीख के लिए। कैसा रहेगा निफ्टी आज? देखिए, हम मार्केट में क्या अच्छी बढ़त के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। अगर किसी ने भी 10,000 के आसपास अपनी पोजीशन बनाई होती, 10-100 का कॉल जो कि हमने आपको सजेस्ट किया था, अगर आप लिए रहते तो आप बहुत ही फायदेमंद रहते। आज आपको कम से कम 100 पॉइंट का गेन मिलता आपको वहाँ पे, एक लॉट पे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलते रहता, आते रहता और जाते रहता है। आज देखिए 10,250 के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग की है और आप देखेंगे तो यहाँ पे 220 पॉइंट का बढ़त दिखाया है और 2.20 से परसेंटेज में, एडवांसेस में 42 है और डिक्लाइन में 8 शेयर है। तो कौन कौन से शेयर बढ़ के चले हैं? तो आप देखिए, इंडिया पुल बढ़ा, आज अच्छा खासा गेन दिया है 12% का। ICICI बैंक ने तो आज बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, 351। इनफैक्ट ये लीड किया है इंडेक्स को। हाँ, सारे बैंकिंग सेक्टर ने भी लीड किया है, बैंकिंग में अच्छा परफॉर्म आज किया है, 450 पॉइंट बढ़ के दिया है। तो आप देखेंगे SBI ने, यहाँ आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर ने, तो निफ्टी बैंक ने देखिए यहाँ पे अच्छा खासा ये 24,959 पे क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो अगर प्रीवियस क्लोज 24,400 का था तो आप 500 पॉइंट के आसपास आप देखिएगा तो यहाँ पे इसमें बड़ा दिखाई है। तो अच्छा खासा निफ्टी बैंक ने आज ओपनिंग 500 पॉइंट का दिया था। तो गेनर में थे इंडिया पुल, ICICI बैंक, SBI, अदानी पोर्ट्स और डॉक्टर रेड्डी। और जो लूजर्स में थे वो इंडसलैंड बैंक था, आयसर मोटर थे, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और भारतीय एयरटेल। कल आयसर मोटर भी आपको, जैसे मैंने पहले से बोला, आयसर मोटर के आप कॉल करें कि 25,000 के कॉल को भी लेते हैं तो आपको सिर्फ 120 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ये अच्छा खासा गेन देगा और एक साथ भागेगा ये आयसर मोटर, आप वेट कीजिए और देखते रहिए। जहाँ तक FI की बात है तो FI ने आज 2230 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन DI ने आज 2500 करोड़ की खरीदारी किया। अल्टीमेटली DI वापस आ गया मार्केट में, जो यहाँ से DI ने बंद कर दिया था बाइंग, वो देखिए वापस इन्होंने चालू कर दिया बाइंग, बाइंग किया। इसके लिए यहाँ पे आपको निफ्टी में प्लस दिखा। एज पर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में देखेंगे आप कि सारे गेन सारे पॉजिटिव में। इनफैक्ट आप देखेंगे इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है, तो इसका रिवर्स होना चाहिए, लेकिन वो रिवर्स नहीं होकर के आज वापस गेन दिखाया है। तो चलिए, अभी गेन है तो अच्छी बात है। सेक्टर में देखें तो एक भी सेक्टर आपको यहाँ पे निगेटिव नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखिए PSU बैंक 8% के गेन के साथ, फर्मा देखिए 5% के गेन के साथ, और रियलिटी देखिए 3%। जहाँ पे 1% 2% नहीं देखने को मिलता था, वहाँ 7% 8% 5% ऐसा गेन आज आपको देखने को मिला है। अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स सारे शेयर को देखें तो उसमें देखिएगा एडवांसेस 42 है, डिक्लाइन 8 है। इंडिया बुल आज 85 पॉइंट्स मैंने 12%, ICICI बैंक 35 पॉइंट्स मतलब 11%, SBI 19.7%, डॉक्टर रेड्डी 127 पॉइंट का गेन दिया है और 5% के साथ है। TCS 66.3% का गेन, टाटा स्टील 21 पॉइंट का गेन, रिलायंस 44 पॉइंट का गेन देकर के 1079 पे क्लोजिंग किया। रिलायंस भी अच्छा लीड करेगा आगे इंडेक्स को, रिलायंस तो रिलायंस पे आप ध्यान रख सकते हैं। TCS अब यहाँ पे ग्रासिम में अब लगती है कि यहाँ पे से बॉटम लगता है शायद बन गया है, अब यहाँ से बाइंग आई है तो देखते हैं ग्रासिम में भी क्या होता है। फिर भी इसको वॉच पे रखिए आप, हो सकता है कि ग्रासिम में फर्दर गिरावट अभी रुक जाए, क्योंकि अब यहाँ पे बाइंग आई है और अच्छी खासी 2-2.5% की बाइंग आई है, तो आप इसे वॉच कर सकते हैं और इसको हो सकता है कि ग्रासिम में फर्दर अभी गिरावट रुक जाए। तो अब गिरने वाले इंडेक्स को देखिए, जो कि सिर्फ बहुत ही कम थे, 8 इंडेक्स थे, तो कौन कौन से गिरे हैं? तो NTPC 0.25 पॉइंट गिरा है, बजाज फिंजर्व गिरा है 9 पॉइंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक आज गिरा है। अगर ये इंडेक्स और ये उठ जाता तो सोचिए इंडेक्स कहाँ पहुँच जाता। और आयसर मोटर जो दिखा रहा है ये ठीक है, 1% का ये कल रिकवरी ले लेगा कल परसों में। इंडसलैंड बैंक ये माइन्यूट सा आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे फॉल है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की देखें तो पुट कॉल में क्या बताता है कि आप देखेंगे यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है आज पुट की ओर सब निगेटिव है और कॉल की ओर आज सारा गेन हो गया। और मैंने आपको 10-100 का कॉल बोला था, देखिए 123 पॉइंट का नेट चेंज है, 100 पॉइंट का भी गेन लेते तो आपको कितना फायदा हो जाता 10-100 पे। कोई बात नहीं, अगर आप 10-250 के भी कॉल लेते जो कि ऑलरेडी इसकी वीडियो भी आपको डाली हुई, तो भी यहाँ पे आप 100 पॉइंट का गेन लेते। अभी भी कुछ गया नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ गया है, अभी भी आप 10-250 या 10-300 का आप लेके रखिए, 10-300 का भी लीजिएगा तो 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। अभी भी यहाँ 10-500 तक आपको देखने को मिलेगा, तो को बहुत बड़ा ऐसा नहीं। 10-441-455 पे यहाँ पर रेसिस्टेंस है जो कि 20 दिन का डेमा है, तो वहाँ पे से आपको रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो वापस वो क्रॉस करता है तो आपको आगे की ओर और भी
आपको गेन मिलने को होगा। अब अगर देखेंगे तो नीचे की ओर से उठ के लगता है 10,000 पे वापस, आप देखेंगे 38 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, 476 का यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडिशन हो रहा है, और उससे ज़्यादा एडिशन अब 5 लाख शेयर का यहाँ पे 28 लाख के साथ 10,200 पे हो रहा है। और अगर कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में बहुत ज़्यादा कहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि अब बाइंग आ गया है, डर डर के बाइंग आ रही है, और कॉल पुट से देखें तो डर के ही बाइंग आ रही है, ऐसा कहीं पर एडिशन नहीं है। उल्टा पुट की ओर देखेंगे तो 38 लाख 10 हज़ार पे 10,200 पे, अगर देखेंगे 28 लाख का, और 9,800 पे 23 लाख का, अगर कॉल भी देखें तो आप कहीं 10,250 पे 11 लाख का 1 लाख का एडिशन है, 10,300 पे 81,000 का एडिशन है। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये बाइंग आ जाएगी, और इनफैक्ट 10,500 से अनवाइंडिंग हो रहा है 2,15,000, किसी को भी बिलीव नहीं था। तो कल हो सकता है कि हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी चालू हो जाए कल, तो कल आपको अच्छा खासा इसमें गेन देखने को मिल सकता है। और अगर हम चार्ट पे चले, चार्ट पे देखें तो चार्ट पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 दिन का जो था 10,246 उसको अच्छा खासा क्लोज करके 250 पे क्लोजिंग दिया है। तो अब ये इसका जो नेक्स्ट रहेगा टारगेट वो 10,461 का रहेगा जो यहाँ पे क्रॉस करेगा। अगर ये क्रॉस करता है तो आप समझिए फिर आपको अच्छा खासा 10,700 के आसपास आएगा देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से फिर इतना जल्दी भी ऐसा नहीं कि मैं सीधा आपको पॉइंट पे ऊपर पहुँचा दूँ कि आप 10,800 10,900 पहुँच जाएगा। तो अभी पहला जो टारगेट है उसकी बात करें तो ये 10,463 पे है, और आपको कल देखने को मिलेगा, अपवर्ड देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, अपवर्ड की ओर मार्केट रहेगा। और एक उसका एक कारण भी बताता हूँ, ये आवरली चार्ट पे अगर हमने देखा तो देखिए यहीं पे मैंने बाय सिग्नल दिया था, जो ये बाय जनरेट हुआ था ना, जब आप देखेंगे यहाँ पे मर्ज हुआ था जस्ट 11:30 पे, यहीं पे बाइंग सिग्नल जनरेट हो गई थी। और ये देखिए कैसे रेड वाला सिग्नल जो है जो 13 दिन का नीचे गया और ब्लू वाला कैसे ऊपर गया। और आज कहीं पे भी आप देखेंगे, आप कहीं पे भी देखिए 29 तारीख को आपको हर लो के बाद एक अपर लो बन रहा था, ये 10,054 बना, इसके बाद देखिए ये क्या बना, 10,054 यहाँ से बना, उसके बाद 10,064 बना, उसके बाद 10,083 बना, उसके बाद 10,109 बना, उसके बाद 10,152 बना, उसके बाद 160 बना, और उसके बाद जो बना 250 बना। और दूसरी बात, जो लो था 250-85 वहीं पे जाके क्लोजिंग दिया है, मीन्स ये जो क्लोजिंग दिया है वो अपर साइड में ही दिया, शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है, अभी ये तो बाबू खेल बाकी है। तो आपको मजा आएगा कल, अच्छा खासा मजा आएगा, आप देखते रहिए। तो और अब चलिए एक बार हम दूसरे चार्ट को भी देख लें और दूसरे इंडेक्सेस को भी देख लें एक बार क्या हो रहा है क्या दिखा रहा है। तो अगर हम दूसरे चार्ट को देखें तो एक बार SGX निफ्टी क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। तो SGX निफ्टी क्या बताता है, SGX निफ्टी तो बता रहा है 231 पॉइंट का गेन, बढ़िया है, ये भी गेन बता रहा है। लोग 328 का बना दिया, तो कल आपको 300 तो क्रॉस करना ही है, तो 10,300 जिसके पास होगा क्या मस्त रहेगा, तो कल बाइंग सिग्नल रहेगा आपका 10,461 तक, कोई इशू भी नहीं है, आप बाय कीजिए। एक बार हम इंडिसेस को, दूसरे इंडिसेस को देख लेते हैं कि क्या दिखा रहा है, फॉरेन का मार्केट क्या दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार, बाहर के मार्केट क्या है? ये देखिए अब US भी पूरा, अब सभी लोग एक साथ बढ़ना चालू कर, ये देखिए US सारे लोग बढ़ना, ग्रीन ग्रीन आप देखिए ना यहाँ पे, देखिए क्या सारे लोग 434.31 सारे ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, जब जब आए देर से। बैंक निफ्टी देखिए 583 पॉइंट का आज गेन दिया था, और निफ्टी ने 240 पॉइंट का गेन दिया था, तो क्या गेन दिया था आप समझिए, और इसने 25,000 के आसपास की क्लोजिंग दे दी है, तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। कॉमोडिटी में चलिए एक बार चलते हैं, तो कॉमोडिटी में देखेंगे ब्रेंट क्रूड 77.20 के आसपास चल रहा है, ये गिरना ही है, ये अप डाउन सब छोड़िए, अब ये आपको वापस आपको 72 दिखाएगा ही दिखाएगा, अपना कॉन्फिडेंस भी वैसे ही बढ़ जाता है जब मार्केट बढ़ता है, तो नहीं बढ़ रहा था तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। और ये आप देखेंगे और रुपया भी मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे, आपको सारे पॉजिटिव चीज़ आएंगे आपको 10,461 तक तो आएंगे, उसके बाद देखते हैं कोई निगेटिव होता तो होता है। तो ये सारे चीज़ें मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से आपको बताया है, और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे अभी वापस आप देखेंगे तो इक्विटी के जो पोजीशन है यहाँ पे 10,300 के आपको जो 209 पे मिल रहा है इसको आप पोजीशन आप देख सकते हैं, 10,300 को लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको 75 का लॉट है 27/21 तो आपको 14-15,000 रुपये के 15,000 रुपये के आसपास लगेगा पोजीशन में नहीं। और अगर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 10,500 के लीजिए, 111 पे मिल रहा है, 7,500 पे मिल रहा है,
इसमें गम गेन होगा, लेकिन कल भी आपको डेली के डेली बेसिस में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए कीजिए। पता नहीं कौन सा ट्रेंड कब आएगा और कब से भी है, क्योंकि यहाँ पे जब तक अच्छी पोजीशन नहीं देखने को मिले तब तक थोड़ा डर है, लेकिन आज के पोजीशन से ये श्योर है कि कल अप ही जाना है और 300 भी क्रॉस करेगा, 461 तक जा सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से, आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, और दूसरे को भी फॉरवर्ड करें ताकि और लोगों को भी मालूम हो कि और लोग ये वीडियो ऐसा बनता है, यहाँ पे ऐसा ज्ञान बढ़ता है, तो और लोगों को बढ़े, हम और भी आपके सामने ऐसे ही लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।